अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रामपुरी यखनी बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए, रामपुरी यखनी बिरयानी बनाने के लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो देख लेते हैं। आधा किलो मटन, एक किलो चावल, लगभग 3 गिलास, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 10-12 काली मिर्च, 8-10 लौंग, 1/2 टीस्पून जीरा, ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है ऑरेंज फूड कलर, 1 टमाटर, 6-7 हरी मिर्च, 1 प्याज कटी हुई। यखनी बनाने के लिए मैंने 3-4 तेज़पत्ता, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 4-5 पीली मिर्ची, 1 प्याज छिली हुई, 1 लहसुन। तो चलिए पहले मैं यखनी बना लेती हूँ। यखनी के लिए मैंने यहाँ एक कुकर लिया है, उसमें मैं डालूंगी मटन। अब इसमें मैं डालूंगी तेज़पत्ता, प्याज, लहसुन, साबुत मिर्च और नमक और सौंफ और धनिया हम अभी नहीं डालेंगे, इसकी पोटली बनाकर डालेंगे। मैंने इसमें बाकी की सभी चीज़ें डाल दी हैं सौंफ धनिया को छोड़कर। अब मैं लूंगी एक कपड़ा इस तरीके का, मलमल का कोई भी आप साफ कपड़ा ले लें, उस पर सौंफ धनिया डालें और इसकी जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से पोटली बना लें। इस तरीके से चारों तरफ से मैंने इसे पकड़ के एक छोटे से कपड़े से इसे बांध दिया है, इसे अच्छे से बांधना है ताकि ये खुले नहीं। तो चलिए मैं इसे भी कुकर में डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, ये बड़े साइज का मग लिया है मैंने भरकर, इस साइज के मैं इसमें लगभग 4 मग भरकर पानी डालूंगी, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करेंगे कि बाद में हम इसी यखनी के पानी में बिरयानी को पकाएं, और अगर ज़रूरत हो तो आप अलग से पानी डाल सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे डाल दिया है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। कुकर को बंद कर मैं 5 सीटियाँ आने तक वेट करूँगी। 5 सीटियाँ आने के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो चलिए देखिए, यखनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ मैंने एक भगवाने में 1 कप भरकर तेल डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें डालूंगी खड़ा गरम मसाला। नमक हम अभी नहीं डालेंगे इसमें, जीरा, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सारा मसाला हम खड़ा गरम मसाला इसमें अभी डाल देंगे। 1-2 चम्मच चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। चलिए मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब इसे बस 2 मिनट तक इस तरीके से भुनेंगे कि लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्च को मैंने 20 से 2-2 पीस में काट लिया है, वो भी इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी यखनी जो हमने तैयार करी थी। सबसे पहले मैं यखनी की पोटली निकालकर इसमें निचोड़ दूंगी अच्छे से, ताकि सौंफ धनिया का सारा रस अच्छे से बिरयानी में इसका टेस्ट आ जाए। अब मैं इसमें सारा ये जो मटन है हमारा, ये अब प्याज, खड़ा गरम मसाला सभी निकाल कर इसमें डाल दूंगी। लहसुन को हम इसमें पूरा नहीं डालेंगे, लहसुन को मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से हाथ से थोड़ा दबाकर वह उसका जो रस है वो हमें इसमें डालना है। बाकी जो उसका बीज का वो है सब हमें फेंक देना है। इस तरीके से लहसुन को बीज से निचोड़ कर डाल देंगे और यखनी का पानी भी अब मैं इसमें सारा ऐड कर देती हूँ। यखनी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यखनी का सारा पानी भी इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ। तो चलिए, यखनी का सारा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक मैंने यखनी में भी डाला था, इसलिए बस इसमें मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और इसमें एक बॉईल आने दूंगी। चलिए चेक करते हैं इसे, पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चावल। चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और अच्छे से धो लिया है। चलिए मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और इसमें देखूंगी अभी कितने पानी की और ज़रूरत है। तो देखिए, पानी थोड़ा कम लग रहा है, यखनी का पानी थोड़ा कम रह गया है, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। ये 1 मग भरकर मैंने इसमें पानी और डाला है, बड़े साइज का मग है।
अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। मैंने इसे बॉईल आने तक हाई फ्लेम पर पकाया है, उसके बाद मैंने इसे 8 से 9 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर करके पकाया है। देखिए अभी भी इसमें थोड़ा पानी है, चावल थोड़े गीले गीले हैं और अभी चावल में कनी भी बाकी है, तो मैं इसे दोबारा कवर कर देती हूँ। 5 मिनट बाद मैं इसे खोल कर फिर से चेक करती हूँ। देखिए चावल का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। इस तरीके से फूड कलर डालकर हम इसे दोबारा कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे दम पर लगा देंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, बिरयानी को खोल कर चेक करते हैं। देखिए बिरयानी कितनी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसके कलर को मिक्स करूंगी। देखिए एक एक चावल का दाना एकदम अलग अलग है, खिला खिला बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और बहुत ही आसान तरीका है ये बिरयानी बनाने का। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, सर्व कर दिया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये, आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।